हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पे जो है डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सलेशन है। इस ग्राफ को, इस रिलेशन को हम पोजिशन टाइम रिलेशन भी कहते हैं। पोजिशन टाइम रिलेशन मतलब बॉडी ने कितना पोजिशन कवर किया t टाइम में। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हम मान के चल रहे हैं जो बॉडी है वो एस डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने टाइम में, स्मॉल टी टाइम में। एस डिस्टेंस कवर कर रही है स्मॉल टी टाइम में, मतलब यहां से ओ से बी जा रही है टी टाइम में, तो वो एस डिस्टेंस कवर कर रही है। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जब स्पीड उसकी वी होगी तो डिस्टेंस क्या कवर करेगी, वो कवर करेगी एरिया ऑफ दिस वन, ये पूरा एरिया। देखो आप, जब बॉडी यहां से यहां जाएगी तो क्या होगी, ये पूरे एरिया कवर करेगी। तो क्या करो आप, एक बार एरिया ऑफ ओ ए सी डी और एक बार एरिया ऑफ ए बी डी, मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के ऐड कर दो। तो निकालो, लिखोगे आप डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ कौन से एरिया, ओ ए बी सी, या फिर यही डिस्टेंस कवर एस जो है अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा, ओ ए डी सी प्लस क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी। अब आपको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यदि आपको पता हो तो, लेंथ इनटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? तो देखो आप यहां पर लेंथ कितना है रेक्टेंगल का, ओसी है, तो ओसी इंटू कितना ब्रेथ है बेटा, ओ ए, प्लस हाफ बेस क्या ट्रायंगल का, इंटू ए डी, हाइट क्या ट्रायंगल की है, इंटू बी डी। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है इसके बाद, यहां के बाद देखो यहां पर लिखा हुआ है ओसी क्या है, टी है, ओए क्या है, यू है, प्लस हाफ बेस कितना, एडी जा है, जो एडी है वही ओसी है क्योंकि ये रेक्टेंगल में साइड बराबर होती है, तो इनटू क्या टी, प्लस बीडी को बीडी लिख दो आप, तो आपको एस क्या मिल गया, यू टी प्लस हाफ बी डी इंटू टी मिल गया। अब याद करो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से, आपको याद होगा यहां से, और यहां पीछे पढ़ा होगा क्या आपने देखा था यहां पर। अब याद करो मैंने पढ़ाया था एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या आया था, उसका स्लोप, तो बी डी अपान में क्या आया था, एडी आया था। बीडी को निकालना आपको है और एडी क्या है, टी है, तो बताओ यहाँ बीडी कितना आएगा, यहां से निकालो यहां सब, तो ए इंटू टी हो जाएगा। इस ए टी को उठा के यहां पुट कर दो आप बीडी यहां पर, तो क्या आएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, बीडी की वैल्यू का इंटू टी, तो क्या आ गया आपको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ये रहा इसका एक्सप्रेशन, ठीक है, यू इनिशियल स्पीड, टी टाइम, ए एक्सलेशन और एस डिस्टेंस कवर्ड है बॉडी के द्वारा, जब वो ओ ए इनिशियल स्पीड यू से बी पे पहुंच गई, जब उसने वी स्पीड गेन कर लिया, वेलोसिटी गेन कर ली, तब के लिए। एक बार इसको पोस्ट करके पूरा प्रूफ करना और बताना कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके हमको। थैंक यू।